सदर मुमलिकत के वाले से कुछ कहेंगे जो इस वक्त दाइनी बहरान की सूरत हुई है? सदर पाकिस्तान ने जो इस वक्त दाइनी बहरान पैदा किया हुआ पाकिस्तान में ना फैसले करके किसी से, ये तो सर से पांव तक जो सबका गवर्नमेंट थी वो बहरान ही पैदा करती रही है हर शोबे में, चाहे वो आइनी बहरान है, चाहे वो मुआशी बहरान है, चाहे वो अपना सियासी बहरान है, चाहे वो मुआशरती बहरान है, यानी मुआशरती भी बहरान पैदा कर दिया। आज देखें हमारा जो काम का कल्चर जो है वो यानी कि बदल के रख दिया है और बदतमीजी से खा दी है, बिल्कुल अफसोसनाक तरीके के साथ गुफ्तगू एक कल्चर नया कल्चर को बुनियाद दी है उन्होंने। हमारी तो ये ट्रेडिशन नहीं है और ये कोई नई ट्रेडिशन पता नहीं कहाँ से ये लेकर आए हैं जिन्होंने ये पाकिस्तान के अंदर नाफिज किए। तो पाकिस्तान में 70 साल के अंदर हम पहली दफ़ा इस तरह का कल्चर देख रहे हैं। इमरान खान ने सिपा सालार को इमरान खान ने डायरेक्ट अटैक करते हुए आर्मी चीफ को सिपा उनको मीर जाफर करार दे दिया। अहमदाबाद की जो जलसा है क्या ये डायरेक्ट अटैक नहीं है पाकिस्तान की सलामती पे और ख़ासतौर पर जो भारत कहना चाह रहा था वो नहीं क्या कर पाया जो इमरान खान साहब कर रहे हैं? इमरान खान ने वो तबाही मचाई है पाकिस्तान के अंदर। अभी मैं मुख्तसर अल्फाज में मैंने उसका अपना रद्देअमल दिया है, वो तबाही मचाई है कि जो ना कभी पहले किसी ने देखी है ना शायद आइंदा कभी को देखेगा। ये तो पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा रहा था ये बंदा। शुक्र अदा करो कि इसे जान छूटी है और इंशाल्लाह जान अब छूटेगी आइंदा हमेशा के लिए। थैंक यू।